अंजाम होना चाहिए, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ो के कुरान, चाहे आप गीता पढ़ो के कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह जो ऐतिहासिक दिन है ना, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हम विदेशी कानूनों से मुक्त हुए थे। मगर साथियों, हमें यह जो गणतंत्रता मिली है ना, इतनी आसानी से नहीं मिली है। न जाने कितने वीर क्रांतिकारी जवानों ने अपने बलिदान दिए, हजारों माओ के लाल घर नहीं पहुंच पाए, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाके हमें यह गणतंत्र मिला। आज उन वीरों की बदौलत से हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से गणतंत्र का जश्न मना रहे। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। अंग्रेज साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज आज भी भारत में मौजूद हैं, जो फूट डालो राज करो की नीति पर विश्वास करते हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म व जाति के नाम पर लड़ाते नजर आ रहे। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ दंगा रहने दो, मत फैलाओ दंगा रहने दो, हमें लाल हरे रंग में न बांटे, मेरे घर के छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे घर के छत पर एक तिरंगा रहने दो। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समीक्षाएं हैं, भ्रष्टाचारी ने तो इस प्रकार के पांव फैला के रखा है कि फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं, फिर भी उन पर कोई काम नहीं होता। अगर जैसे ही उनके पास नोटों का बंडल पहुंचता है, काम तुरंत हो जाता है। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम में डिबेट करने से फुर्सत नहीं मिलती। देश की मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर पूरे दिन कवरेज चलाते हैं। अगर किसी गरीब किसान की आत्महत्या पर एक पल भी नहीं निकलता। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस देश के विकास में अपना योगदान दें, इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व में एक मॉडल हो, हम क्रांतिकारियों के उन सपने को पूरा करें जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त देखा। आवश्यक है हमें एक साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर के देश के लिए काम करें, समर्पण भाव से देश के विकास की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता, राष्ट्र का विकास कब होता है? जब हम और आप बदलते हैं। आओ झुककर सलाम करें उसको जिनके हिस्सों में यह मुकाम आता है, किस कदर खुशनसीब होता है वो लोग जो इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब मेरे जहन में आता है ना, मुझे वो सड़क पार खड़ा भारत का वो जवान याद आता है, वो फौजी याद आता है, कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में, कहीं जैसलमेर की तपती रेतियों में सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है क्योंकि उसका देश सुरक्षित है। अगर मुझसे कोई देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति की परिभाषा पूछे
तो मैं इतना ही कहूंगा, आपके मन में भी उस सरहद पार खड़े फौजी के समान देश के लिए समर्पण है। आप अपने देश से प्रेम करते हो, आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हो, तो आप सही मायने में राष्ट्रभक्त हो। जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक, जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक उस सड़क पार खड़े फौजी के समान अपने देश में कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा, तो यह हम एक भारत में विश्व गुरु भारत दे चुके। आवश्यक है कि हम देश में एक साथ मिलकर, आवश्यक है हम देश में एक साथ मन करके मिल करके विकास करें, विकास के बारे में सोचने का प्रयास करें। जब तक रिक्शा चालक से लेकर सरकार चलाने वाले तक का साथ होगा, तो हम विश्वास देश का विकास कर पाए। जब तक रिक्शा चालक से लेकर देश की सरकार चलाने वाले तक का साथ होगा, तब हम देश का विकास कर पाएंगे और पूरे जगत में भारत की एक नई पहचान। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, यह देश सिर्फ और सिर्फ देश की उन्नति के, देश के विकास के लिए जरूरी। पूरा देश संगठित होकर के जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद को छोड़कर एक ही लय में, एक ही स्वर में देश की बात करे, देश के बात करे, देश के विकास के बारे में सोचे, तो हम पूरे विश्व को यह विश्व गुरु बात दे चुके हैं। जो ना हुआ आज तक कर दिखाएंगे हम, जो ना हुआ आज तक कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले लगाएंगे हम, हमारे हिंदुस्तान को भगवान की कसम एक दिन सोने की चिड़िया बनाएंगे। एक देश के लिए दो नैन एक गीत है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। अलवारों पे सरवार दिए अंगारों